तो गाइज यहाँ पे उन्हें रिंग सेरेमनी होती है, जो दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाता है और दुल्हन दूल्हे को पहनाती है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, वो यहाँ पे जो है रस्म निभाई जा रही है। और इसके बाद जयमाला होगी गाइज, तो बने रहिए आप ब्लॉग में, काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। देखिए गाइस हमारी ये बड़ी भाभी जी हैं, बड़ी चिंता में हैं ऐसा लग रहा है मुझे, मैं उनको जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। Thank you.
तो गाइस फिलहाल हो चुके हैं जयमाला। आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ या फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी जैसे लड़के लड़की के फैमिली हो गई, लड़की की फैमिली हो गई, सभी लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो अब आना जाना शुरू हो गया फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसमें मैं भी हूँ। तो सभी लोग गाइस फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा शादी का जो एल्बम बनता है उसमें नज़र आते हैं, तो ये खिंचवाना भी चाहिए। और लोग ये रीति रिवाज पूरा पहले से चली आई है, जब से कैमरा चले हैं जब से यही रीति रिवाज चली आई है, सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक पक्ष लड़का साइड के होते हैं, एक पक्ष लड़की साइड के होते हैं, तो सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो खिंचवा रहे हैं। और जो निछावर है वो एक दूसरे की बुआ को मिलते हैं। तो चलिए देखिएगा आप लोग, इसमें मैं भी हूँ। ये देखिए मेरा भतीजा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब देखो बड़े भैया हैं, राजू भैया हैं, जो लड़की के बड़े पापा कहलाएंगे, ये फ़ोटो खिंचवाएंगे। ये भी अब वापसी जा रहे हैं। जितने भी गाइस सभी लोग आएंगे, सभी लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे। ये हमारी भाभी जी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये देखिए फैमिली मेम्बर आ गए, मेरी भतीजी आ गई, इधर सभी लोग आ रहे हैं। ये देखिए ये भी दामाद वगैरह हैं, सभी लोग मतलब जितने भी हैं सभी लोग खिंचवा रहे हैं। ये हमारे दामाद हैं, काफ़ी ज़िम्मेदार लगते हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं भाई। देखिए सलाह कर रहे हैं कुछ, अच्छा बीच में आ रहे हैं कि फ़ोटो हम खिंचवाएंगे बीच में जाके। भाई देखिए फ़ोटो खींच रही है, अभी फ़ोटो सभी लोग खिंचवाएंगे, जितने भी लोग आते जाएंगे सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते जाएंगे गाइस। तो काफ़ी बस अब लास्ट ही है, इसके बाद सभी लोग हट जाएंगे। देखो लड़के पक्ष के आ गए हैं, जितने भी लोग थे, बुआ फूफा चाचा सभी लोग। और ये देखो मैं खुद आ गया, मेरा छोटा भाई आ गया, बड़ा भाई आ गया, सुरेश जी हैं, हमारी बड़ी चाची भी हैं यहाँ पे। तो सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मैं भी इसमें खड़ा हूँ और मैं भी इसमें हूँ फ़ोटो में, क्योंकि भाई यादगार के लिए फ़ोटो खिंचवाई जाती है। देखिए सभी हमारे जीजा जी वगैरह, बेटी की माँ, पापा और उसका भाई, और ये देखिए जीजा जी दीदी हैं, खिंचवा रहे हैं फ़ोटो। जो लास्ट में जो पिन्नू खड़ी है हमारी, ये लड़की के भाई वगैरह दोस्त वगैरह हैं, पापा भी हैं उसमें। तो सभी लोग कुल मिला के सभी लोग, ये जिया जी वगैरह सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब मैंने कहा था आपसे टोटली लोग जितने फैमिली के होते हैं सभी लोग खिंचवाते हैं फ़ोटो, और ये यादों के एल्बम में समा जाती है। मतलब जब भी कोई एल्बम देखता है तो कहता है ये शादी में आए थे। अब देखो लड़की अब जा रही है अंदर, अब यहाँ से जो भी कार्यक्रम होगा रात का वो अब आगे शुरू होगा। ये देखिए मैं अपनी बहन के साथ हूँ, भाभी भी है मेरी, हम लोग हैं भी एक। ये देखो लालू जो है डांस करता रहता है यहाँ, रोहित भी डांस कर रहा है। तो खूब नाच गाना हुआ, खूब इंजॉय किया लोगों ने। ये देखिए नागन बैंड पे डांस कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा कर रहे हैं। तो गाइस सबसे बड़ा दान कन्यादान है, और एक माँ और एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, बहुत किस्मत वाले हैं।
हो जाने के बाद भी वधु अपनी वर से 7 वचन मांगती है, उसके पश्चात वर अपने 5 वचन मांगता है। इसी प्रकार इन वचनों का समावेश होता है। जब दोनों वर और वधु अपनी वचन की संतुष्टि कर देते हैं अर्थात स्वीकार कर लेते हैं, उसके पश्चात ये विवाह संपन्न होता है। तो उन्होंने यह वचन मांगे कि एक मुखे और जी रुखे की चतुवारी पंच वचन को सत्य समझ दिया। ये जो वचन थे ये वधु ने मांगे। उन्होंने कहा हमारी पंच पशुओं सत्य समझ लिया अर्थात दूल्हा या लड़की से वर से वधु प्रार्थना करती है कि हे नाथ आज से मैं आपकी अर्धांगिनी होती हूँ तो मेरे इन वचनों का सदैव ध्यान रखना। यदि आप मेरी इन शर्तों का पालन करते हो तब मैं आपके ब्रह्म भाव में आऊँ और आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा एक मुख अर्थात यदि आप कोई यज्ञ करें उपवास करें हवन करें तो यह जो कहा करें यह मेरी सहमति से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य आज से आप अपने जीवन में जो कुछ भी पुण्य के काम करें उसमें आपकी पत्नी का बराबर का हिस्सा है। बिना पत्नी के आप धर्म के किसी कार्य को मत करें। उसके पश्चात वन बगीचा मेला बाजार चीज पर्यटन यदि आप चीज को जाए चीज से तात्पर्य आप अपने घर से बाहर जाए और दूसरा वचन हाँ उसके पश्चात उन्होंने यह कहा कि गाय भैंस घोड़ा पशु यदि अपने घर में आप जो भी खरीदे चाहे वो गाड़ी हो चाहे बैल हो चाहे वाहन हो चाहे कुछ भी हो वो मेरी पता चला कि आपने हमसे नहीं पूछा वो आपने जो भी भैंस की कमाई वो आपने दे दी तो फिर हम क्या करेंगे। विधवा में मेरी आज्ञा अनुकूल आपको चलना है। और उसके पश्चात उन्होंने यह वचन कहा कि यदि मेरे से कोई अपराध भी बन जाए एक मौके होते व्यक्ति की चतुवारी पंच पशु सत्य कि यदि मेरे से कोई अपराध भी बन जाए और मैं अपनी सभा सखियों समूहों इत्यादियों में बैठी हूँ तो वहाँ पर मेरा अनादर ना हो सभी मुझे ध्यान दें मुझे कोई दंड ना दें वहाँ मेरा मेरे से अनुचित वचन ना करें उसके पश्चात दूल्हा भी मांगता है वचन और कहता है कि हे देवी मैं आपको अपनी पत्नी की इच्छा को स्वीकार करता हूँ किंतु मेरी भी शर्त है क्योंकि गलती एक लोगों से नहीं होती बल्कि दोनों लोगों से होती है। कहा जाता है कि ताकि ये हाथ से नहीं इसका सिद्धांत ये बताया उन्होंने कि यदि आप मेरी भी इन शर्तों को स्वीकार करते हो तब मैं आपको अपने बाम भाव में स्वीकार करता हूँ। जब उन्होंने यह बताया उन्होंने कहा उद्याने मध्य पानी पिता गए उन्हें मन चेतम मन बात कर मेरे युक्त दयानंद अर्थात उद्यान का पिता है वन उद्यान का पिता है मध्य रात्रि Thank you.
होता है।